चाचा में पड़ा हुआ था, रो रहा था, तो मम्मी बोले चल मैं ले लेती इसको गोद में से उठाया, काय को बोलने का था, काय को उठाया खत्म, जाना बैठा क्यों इतना ठीक है तू। तो हेलो गाइस, मैं जाहिद, मैं हुआइफा, मैं गुलनार खान, मैं उषा, और आप देख रहे हो आलतू फालतू। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू एक्साइटिंग प्रैंक में। तो गाइस, हम लोग करने जा रहे हैं बिलाल के ऊपर एक्सट्रीम प्रैंक। एक्सट्रीम प्रैंक होने वाला है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं उसे जा रही, ये बोलना है क्या गाइस? मेरा छोटा भाई है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली, बस उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, खाली उसको बोलेंगे तेरी तू गोद लिया। हाँ, पप्पी आप ये आके बोल देना, तभी इस तारीख में मत लाना। मम्मी को वीडियो बनाने से पहले हम लोग मम्मी को कितना मना है, मम्मी प्लीज बोल दो। क्यों बोलूं, मेरा बेटा है, मैं क्यों बनाऊं वीडियो? ठीक है पप्पी, बोल देना, सिर्फ इतना सा आगे बोल देना, चले जाना बस, क्योंकि पूरा फुप्पी बोलेगे तभी रियल लगेगा। वरना वो यकीन नहीं करेगा, इसलिए तो मम्मी को इंक्लूड कर लिया हमने। और अभी वो नीचे गया संभालने, तो आता ही रहेगा। चलो तो मम्मी आप रेडी है ना? क्या बोलना है? आप उनको सिर्फ यही बोलना है हमें कि अक्षत को गोद लिए हैं हमने। हाँ, आप सीधा ये बोलना कि तू मेरा बेटा है। तू मेरा बेटा नहीं है, मैंने तेरे को गोद ली। मैं तेरे को इसलिए नहीं बताई, हाँ मैं इसलिए तेरे को नहीं बताई क्योंकि तेरे को बुरा लगा। बोलना कचरे से उठा के लाए थे, कचर कुंडी जहाँ पे अपन बैठे थे सामने जो कचरे, मतलब बंदा हुआ था, रो रहा था, तो हम लोग ने उठा लिया। बहुत प्यारा आया ना तेरे को देख के, तो हम लोग ने उठा लिया। आप एंड में बोलना मम्मी, वरना ना आपको हंसी आएगी ना, इसलिए आप बोलना ही नहीं, आप अंदर चले जाना, वो आएगा। अभी आएगा ना, अंदर चले जाना, फिर आपको बुलाएगा ना, तब आना। हाँ, बस सिर्फ इतना बोलने का है, तू गोद ली है, देखो कचरे में से उठाए बस। तो प्रैंक कर रही है, कौन बोलेगा? वो आपको नहीं बोलेंगे, बाद में एंड में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, अभी थोड़ी बोलेंगे। इधर बैठ, मामू को गोद लिया हम लोग ने, कचरे में से उठाए। Two hours later. कहाँ वाला बंदी कर रहा है अक्षय? तू कहाँ था? कहाँ था? पराया धन है, जब से कॉल कर रहे थे कहाँ था तू? बाहर गया हुआ था, मम्मी भेजे हुए थे मेरे को काम से। मम्मी भेजे थे, झूठ मत बोल। तो अपने तो कभी नहीं होते, अपने तो कभी नहीं होते हैं। हर जगह लेट 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 करता है, कब से बुला लेट तो करेगा ना, क्योंकि ये खुद लेट है, लेट तो करेगा ना। लेकिन अच्छा, तुम लोग सबसे हटके हैं, आज बताना ही पड़ेगा इसको। यार तेरा भाई सबसे एंटी है, पता नहीं कहाँ से आया, एकदम डिफरेंट है। बता रही ना मैं बता रही ना, कचरे में से आया ना। पागल है तू, ये सब बोली है, दादा बोल रही है, सही बोल रही मैं, देखो इतनी सच्चाई, कचरे में से तो लाए इसको, ये सब नहीं बताना होता हिफा, पागल है क्या तू? इसलिए तो आज बता रहे ना, नहीं बताना होता इसको भी तो अपनी सच्चाई पता होना चाहिए। क्या सच्चाई? इसको कचरे में से उठाए, कचरे से उठा है, तेरी शक्ल जैसा दिख रहा है। मेरी शक्ल जैसी का है वो? अपनी कहानी बता रही है, वो अपनी कहानी बता रही है, मेरे को सब लोग बोलते हैं मैं भाई की तरह दिखता हूँ, ठीक है? कोई भाई भाई की तरह नहीं दिखता है, तू समझा? मेरे को सब बोलते हैं, कोई नहीं, वो सब ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा साथ में रहता है, सच्चाई नहीं पता है। मेरे सब रहते हैं ना, तो ऐसा लगने, थोड़ा फेस मिलने लगता है। और ये सब बातें मत बोल, सच्चाई मत बता। ये सब बात इतने साल से छुपी थी, तो अभी क्यों निकालने बोला तेरे को? झगड़े झगड़े वो सब छोड़ दे, झगड़े की बात नहीं है, इसको गोद ली है, ये तो बताना पड़ेगा। पागल है क्या तू? अच्छा, गोद ली है? अबे मजाक कर रही है? हाँ, तो रोज देखती हूँ मैं। हाँ, तेरे को गोद ली है, मेरे को नहीं, तेरे को लिए है गोद। मैं तो मत बोल, समझ में नहीं आ रहा, मत बोल, पागल है क्या? क्यों नहीं बोलूँ? मत बोल, जब लिए तो लिए, तू हम लोग का भाई नहीं है, समझा? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट का गोद है, वो तो बनवाए है, वो बनाने कितना ही बनाए है, वो तेरा कोई बचा? तू कचरा कुंडी में पड़ा हुआ था, रो रहा था, तो मम्मी बोले चल मैं ले लेती इसको गोद। बोल बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, देखो नहीं बोल, नहीं बोल बोल के तो कितनी बातें बोल दी। अरे लेकिन मेरे को अगर कचरे से उठाए रहते, तो इतना पैंपर जो मम्मी लोग भाई लोग करते, वो करते ही। पैंपर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि तू बोल दिया है, तो अभी क्या क्या जरूरत पड़ी तेरे को सब बोलने की? गैर है, गैर तो अभी बोलने की क्या जरूरत पड़ी ये सब चीज? बस कभी ना कभी तो जानना है ना,
तू किसका बेटा है वो भी नहीं पता है। तेरा मामू एक ही है। कचरे में था तू, ऐसा पड़ा हुआ ऐसा था, एक टोकरी में ऐसा डाले थे, तो मैं करके तो मम्मी ने उठाए दो लड़का, किसका बच्चा कौन छोड़ दिया है। ज्यादा हो गया, बुरा लग रहा है उसको, मत बोल, बुरा लग रहा है मत बोल, तू अपना भाई नहीं समझती मेरे को, तो मैं इसमें क्या करूँ, रियलिटी नहीं बताने का ये सब। जब तू अपना भाई नहीं समझती तो इसमें मैं क्या करूँ, लेकिन सगा भाई नहीं है ना, इसलिए बार बार ऐसा बोल रही है। पर सगा नहीं है तू, देखो तू सोते है, गोद लिया हुआ बेटा को, गोद लिया हुआ बेटा बोल सकते हैं, गोद लिया हुआ कचरे में से उठाया हुआ बेटा, ये सब बात निकालने वाली है। कभी ना कभी तो भले से उसको कचरे से लाया, लेकिन ये सब बात नहीं बताना चाहिए। क्या बात है ये सब? हाँ देख, उसको आई है तो तेरे को बुरा नहीं लगता है, इसको बता ये काम वाली है, कचरा ही ऊंचा उठाती है। सॉरी सॉरी, तभी तेरे को मिला, तू मेरे को काम वाली बता रहे, देखो मैं वही से मिला रहूंगा, मैं देखो ही मिला रहूंगा, मम्मी को भी नहीं मिला रहूंगा, है ना? तो कचरा के साथ थी, मैं तो छोटी थी, मम्मी ने सब स्टोरी बताए, देखो स्टोरी नहीं भरोसा आ रहा है, मम्मी से पूछ ले। ए मुस्तो, तू कचरे में से उठाया हुआ है, मत बोल, बोल रहा हूँ तो ये बचपन से ही अपना भाई, लेकिन है नहीं वो बात अलग है, लेकिन मत बोल, बचपन से ही तो इसलिए तो भाई नहीं समझी, भाई वो भाई समझ के उठा के बोल रहा हूँ, मत बोल मत बोल, क्या मत बोल, बोलूंगी ना, क्या लगता है ये सब नहीं बोलते तो आज नहीं तो कल पता चलना है, तो तू क्यों बता रही है, तो मैं ही बताऊंगी ना, साल से बात छुट्टी थी ना, तो अब तो बताना पड़ेगा ना, बता दी लेकिन क्यों, व्हाई, क्या लोग बता गए तेरे को, रहता तो फिर पहले ही पता चल गया रहता था, इतना टाइम नहीं लगता इस चीज को पता, जब पहले नहीं पता चला इसलिए तो आज पता चला, तो लेकिन बता अपने मुंह से क्यों बता रही, वो सुनता हो कैसे, अलग बात है, आइफा मत बोल, बोल रहा हूँ तेरे को तो, पापा ये मम्मा सच बोली, रो रहा है, सोच रहा है मामू नहीं है ना, इसके लिए रो रहा है, इधर आ मुस्तु, ये अपना मामू नहीं है मुस्तु, इधर आ, एक ही मामू है तेरा, जबरदस्ती उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आगे भी तुम लोग, इधर आओ पापा, मम्मी किधर है, मम्मी पप्पी दो, पप्पी दो, हाँ ओ मम्मी जरा बता दे इसको, इसको गोद लिए क्या नहीं, मामू भी बोलो ना, इसको गोद लिए ना मम्मी, कचरे में से उठाए ना, सच बताने की जरूरत क्या थी मामा, ले बस पप्पी नहीं बोल रही है, ठीक है आप कभी ना कभी बताते तो मैंने बता दी, अम्मा बनेगी क्या, अच्छा बोलो तो अभी सच बात तो बताओ, बता बोल दिया वो, बोल दिया कचरे में से उठाया, काय को बोलने का था, बस पता चल गया, अरे भूपी रहने दो अभी, आप अंदर चले जाओ भूपी, आप अंदर चले जाओ, उसको बस अब भरोसा हो गया, तो बात बस करना, बार बार क्या बोली जा रही है, पड़ेगा ना, बुरा लगता है आईफा, मुझे भी जरा तेरा टाइम से ना, बुरा नहीं लगेगा क्या उसको, जाओ मामू को बुला के लो, रियल मामू को बुला जाओ, फालतू में बोल, जाओ सारे को रुला दिए, जाओ रियल मामू को बुला के लाओ, जाओ तू टेंशन मत, जा इसी वाले मामू को बुला के ला, बोल मामू, बीवी बोल दिए यार, बस आज मम्मी ने भी बोल दिए कि तू कचरे में से उठाए थे, मत बोल आईफा, अरे तो रो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल सच पता चलने, लेकिन तू अपने मुंह से क्यों बोल दी, ताकि कचरे में से बास वाली, जब मुंह बोलती है बास आती इसके, चल ठीक है कोई नहीं, मेरे को ना जैसा भी रखे सोतेला रखे कैसा भी जो गोद लिए, लेकिन मेरे को अपने से ज्यादा ही प्यार दिए, मेरे को सब बहुत ज्यादा प्यार दिए, मेरे को इसको वही प्यार मिल रहा है, इसको बोल दिए तेरे को प्यार नहीं हो रहा है ना, प्यार दिए ताकि कचरे में से उठा के लाए तो प्यार तो देना पड़ेगा ना, बच्ची तेरा भाई मानता है तू रियल भाई है, मत बोल ऐसा, मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है, मत बोल देखा रो रहा है, पागल है यार, अरे तो रो है मेरे को पता चल रहा है आज नहीं तो कल, देखो जरूरत क्या थी ये सब चीज बोलने की, फिर ठीक है तू कचरे में से उठा, अरे मत बोल ऐसा, कचरे में से उठा अभी तो बोल रही हूँ, मत बोल ये सब, पागल की बात रटे जा रही, तू पागल हो गई है क्या,
तो तुम लोग भाई नहीं मानते तो मेरे को ऐसा रखी क्यों? बस तू चले जा फिर घर से, बस इतना ही मांग बोला था। इसको चले जा, तेरा घर नहीं है ये, जा तू, तू जा चुका है अब। अब तेरे को बता दे तेरा भी घर है, पढ़ाई है, तू भी जा चल। मेरा तो, मैं तो जा ही रही हूं। मत बोल बोल रहा हूं तेरे को, फोन आया जा 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 मामू। आज आप भी एक सच बता दो, आ जाओ। इसको गोद लिए क्या नहीं, कचरे में से उठाए क्या नहीं, बता दो। लिए ना। अरे डैडी मत बोलो ये सब। तो क्या हुआ? वही पता तो चल रही ना, आज नहीं तो कल मामू। अरे तो ये सब बताने का क्यों, हर्ट होता है ना उससे। हर्ट होता क्या करे, हर्ट होता क्या करे, बताना तो है। ये तो कचरे में से उठाए, बास मारनी थी। अच्छे से संभाले, उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। अब बोल नहीं सकते अब कुछ, अब इसको कचरे से उठाए तो उठाए है बस। क्या हुआ, खत्म करो, उठाए तो उठाए, उठाए खत्म। वही तो बोल रहे हम लोग भी, बैठ बैठ जाओ, बस तू अब घर से निकल जा। अरे क्या निकल जा, निकल जा, कर रही है, मत बोल बोल रहा हूँ तू। तो खुशी मिलेगी मेरे जाने से? हाँ बहुत, दिल खुश हो जाएगा। जलन हो रही है ना मेरे को, जलन हो रही है ना, तेरे से ज्यादा प्यार करते क्योंकि तेरे को कचरे में सो, तो मेरे को जलन हो रही है इस वजह से। तू जा, तो तेरा प्यार मेरे को, तेरे आने से मेरा प्यार बढ़ गया ना। बोल ऐसा, जलन वाली बात होती है। हाँ तो मेरे को तो जलन होगी ना, मेरे से ज्यादा तेरे को प्यार करेंगे तो। तेरे आने की वजह से मेरा प्यार कम हो गया क्योंकि मैं आती थी ना। इसका टेप ही लगा देता हूँ। नहीं नहीं लफड़ा नहीं, बोल रहा है कि लोग मेरे को बोलते भाई की तरह, तो अब भाई के साथ रह रहे कि जब भी भाई की तरह हो गया है शक्ल का। बस अब तेरे को कचरे में से उठाए, तू जा कचरे में वापिस। जाना बैठा क्यों इतना, बार बार बोली जा रही है, बार बार बोली जा रही है, घर से जा, शर्म कर थोड़ी। तू निकल, तू निकल पहले, चल अपने घर पे। तो कैसा लगा बच्ची तेरे को प्रैंक? बहुत मजा आया। तो फिर बताओ बाबा, मेरा बेटा है। गोद लेना बेटा नहीं है। मामा भी आके बोले, डैडी को इशारा कर दिया, डैडी को इशारा दिए, डैडी समझ गए बोले हां। गोद दिया हुआ है, गोद। कितना जल्दी है ये पर्दे से यार, बहुत ज्यादा जल्दी है। इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है शायद। तो चलो गाइस इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तू ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।